Friends, today in this video I am going to tell you about the chapter Reflection and Refraction of Light, and this will be the first part of this chapter. So the heading will be Reflection and Refraction of Light. So it will be part one. So let's start. Reflection and refraction of light. Now let me first discuss before you mirror. What is a mirror? Okay, so simply, if I would like to say simply, a mirror is a glass. It is like this. Okay, a mirror is a glass. It is just a glass like this. Okay, so you can say, what is mirror? So mirror is a glass. Mirror is a like this. Mirror is a glass. It will be a glass, and whose one side is polished. Whose one side is polished. Let's say this is the mirror glass, okay, and the back side is polished. I'm polishing the back side. इसके पीछे मैं इसे पॉलिश कर देता हूँ, ठीक है? ये मिरर है, ग्लास है, इसके पीछे मैंने इसे पॉलिश कर दिया. सो तो इसकी फ्रंट साइड हो जाएगी. वो फ्रंट साइड क्या बन जाएगी? रिफ्लेक्टिंग लाइट, रिफ्लेक्टिंग बन जाएगी, क्योंकि पीछे मैंने इसका पॉलिश कर दिया ना. पीछे इसका पॉलिश कर दिया, कोटिंग कर दी, किसी भी चीज़ की कोटिंग कर दिया, तो इसकी जो फ्रंट साइड है वो रिफ्लेक्टिंग साइड हो जाएगी. क्या होगा? उसमें कोई भी रेज आएगी, वो रेज इसमें पड़ने के बाद क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसी मीडियम में, ठीक है? सो दिस इज अ मिरर. इसको क्या कहेंगे? मिरर. जैसा आपके घर में जो मिरर होता है ना, उसमें क्या होता है? मिरर को देखा तो पीछे साइड से मिरर, मिरर ऐसा होता है आपका, तो उसके पीछे साइड से ऐसे कोटिंग करी रहती है, रेड रेड कलर का आपको दिखता होगा, वो कोटिंग है. तो कोटिंग करने से क्या हो जाता है? जो फ्रंट साइड है रिफ्लेक्टिंग बन जाती है. मतलब जितनी भी लाइट रेज इसमें पड़ेंगी वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी? रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, और आपकी कंप्लीट इमेज इस मिरर पे आपको दिख जाती है. गेटिंग ना? सो दिस इज अ मिरर. सो सिंपली मिरर इज अ सरफेस. मिरर इज अ ग्लास, यू कैन से मिरर इज अ ग्लास हुज वन साइड इज रिफ्लेक्टिंग साइड. जिसका एक साइड क्या होता है? आपका रिफ्लेक्शन साइड होता है. मिरर आपका एक ग्लास है जिसका एक साइड आपका रिफ्लेक्टिंग साइड होता है, और एक साइड आपका क्या होता है? पॉलिश्ड साइड होता है, ठीक है? तो अगर मैं आपको मिरर के बारे में बताऊं, तो मिरर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर. मिरर आपके दो होते हैं. एक तो होते हैं आपके प्लेन मिरर. कैसे मिरर होते हैं? प्लेन मिरर. वन सॉर्ट ऑफ मिरर आर प्लेन मिरर, एंड द अदर आर स्फेरिकल मिरर. अदर मिरर कैसे होते हैं आपके? स्फेरिकल मिरर, ठीक है? प्लेन मिरर तो आपको पता ही है, ये प्लेन होता है, इसमें नीचे साइड से ऐसे कोटिंग करी रहती है एक साइड से, और एक साइड आपकी रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी. जैसे ये मिरर है, पीछे साइड से कोटिंग कर दिया, ये कोटिंग कर दिया, और सामने वाली साइड रिफ्लेक्टिंग साइड हो जाएगी, ये वाली साइड है ना, ये रिफ्लेक्टिंग. इसमें लाइट रेज पड़ेंगी तो रिफ्लेक्ट होकर इस मीडियम में आ जाएगी. क्लियर है? सो इट्स अ प्लेन मिरर. ये प्लेन मिरर हो जाएगा. स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर आपके ऐसे मिरर होंगे जो स्फेयर के पार्ट से बने होते हैं. स्फेयर क्या होता है? गोला होता है. जो गोला, जैसे बॉल है ना, एक स्फेयर का शेप होता है. तो ऐसे कोई ग्लास ले लो आप, स्फेरिकल शेप का, ऐसा ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लो, कोई सा भी ग्लास ले लो, ठीक है? तो इस स्फेरिकल शेप से, स्फेरिकल शेप के हम टुकड़े कर देंगे, छोटे छोटे टुकड़े काट दो. इन टुकड़ों को काट के जो मिरर बनेंगे वो होंगे आपके स्फेरिकल मिरर. कौन से मिरर होंगे? स्फेरिकल मिरर. तो स्फेरिकल मिरर आर द मिरर विच आर पार्ट ऑफ स्फेयर. यू कैन से स्फेरिकल मिरर आर द मिरर विच आर पार्ट ऑफ स्फेयर. जो स्फेयर के पार्ट होते हैं, यानी स्फेयर के टुकड़ों से बनाए जाएंगे, ठीक है? तो हम इसमें जो दो टाइप के टुकड़े बनाए, जैसे सपोज आपका ये स्फेयर है, इसके हम दो टुकड़े कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? सपोज मैंने क्या किया, स्फेयर का इतना भाग मैंने काट लिया, ये इतना पार्ट मैंने काट लिया, काट के ये कर लिया, लो ठीक हो गया, कर लिया, बिल्कुल कर लिया. अब इसमें क्या करता हूँ मैं, इसमें मैं पीछे की साइड, स्फेयर के बैक साइड में मैं कोटिंग कर देता हूँ. यहाँ को मैंने कोटिंग कर दिया किसी भी चीज़ का, ब्लैक, यानी ये पीछे साइड को मैंने ऐसे कोटिंग कर दिया, किसी भी चीज़ का ऐसी कोटिंग कर दिया. तो क्या होगा? इसकी जो फ्रंट साइड हो जाएगी ना, यानी ये सामने वाली साइड, ये साइड आपकी रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी. यानी जितनी भी लाइट रेज इसमें पड़ेंगी वो पड़ने के बाद क्या हो जाएंगी? रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, इधर को आ जाएंगी, यानी पीछे नहीं जाएंगी. तो इसमें अंदर की ओर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, ये अंदर की ओर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. अब ऐसी मान लिया मैं दूसरा स्फेयर बनाऊँ, सपोज एक स्फेयर मेरा ये है. अब मैं इसका ये वाला पार्ट कट कर रहा हूँ, इतना पार्ट कट मैंने किया, ये वाला पार्ट कट कर लिया, लीजिए ये कट कर लिया पार्ट. अब इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, इसमें मैं अंदर की साइड आपकी क्या कर देता हूँ? कोटिंग कर देता हूँ. ये अंदर की साइड मैंने कोटिंग कर दी, और रिफ्लेक्टिंग साइड कहाँ की बना ली मैंने? रिफ्लेक्टिंग साइड मैंने बना ली बाहर की, यानी बाहर से जो रेज ऑफ लाइट आएंगी, ये सपोज ये आपकी
रेज ऑफ लाइट आई, ये ऐसी रेज ऑफ लाइट आएंगी, है ना, ये यहाँ से फिर क्या हो जाएंगे आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, है ना। तो इसमें स्फेरिकल मिरर से आप दो टाइप के मिरर बना सकते हो, यानी एक में तो आप अंदर की साइड कोटिंग करके बना सकते हो, एक में आप बाहर की साइड कोटिंग करके बना सकते हो, ठीक है। सो इसपे हम कह सकते हैं कि जो स्फेरिकल मिरर होते हैं टू टाइप के होते हैं। नंबर वन इज दिस वन मिरर, ये कौन सा मिरर है जिसमें बाहर की साइड कोटिंग करी है, अंदर की साइड रिफ्लेक्टिंग साइड है, ओके। तो एक मिरर तो इसमें बन जाएगा आपका अ मिरर हुज इनर साइड इज रिफ्लेक्टिंग साइड, है ना। एक ऐसा मिरर बन जाएगा हुज आउटर साइड, जो बल्ज साइड है, यानी उभरी हुई जो साइड है ना, उभरी हुई सरफेस है, यानी उभरी हुई ऊपर की सरफेस, ये वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो स्फेरिकल मिरर आ रहा हो टू टाइप्स, वन इज ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग साइड केव इनवर्ड्स, जिसमें जो रिफ्लेक्टिंग साइड होती है वो अंदर की ओर होती है, केव गुफा की ओर जो होती है, ऐसे गुफा टाइप की दिख रही है आपको अंदर, ये रिफ्लेक्टिंग साइड है ना, बाहर की साइड कोटिंग करी है ना। तो ऐसा मिरर जिसकी अंदर की साइड रिफ्लेक्टिंग होती है, यानी अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग साइड केव इनवर्ड, जिसकी रिफ्लेक्टिंग साइड अंदर की ओर होती है ना, सच सॉर्ट ऑफ मिरर आर नोन एज कॉनकेव मिरर। कौन से मिरर बोलेंगे इसको, कॉनकेव मिरर, ये आपका होगा कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर कैसे मिरर होता है, कॉनकेव मिरर आर मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग साइड केव इनवर्ड्स, जिसकी रिफ्लेक्टिंग साइड अंदर की ओर होती है, ठीक है, इनको हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर, ठीक है। और ऐसे मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग साइड बल्ज आउटवर्ड होती है, अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग साइड बल्ज आउटवर्ड, बाहर की ओर बल्ज होती है, यानी बाहर की साइड रिफ्लेक्टिंग साइड होती है, ये वाली साइड, ये इधर को लाइट पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, है ना। तो हुज रिफ्लेक्टिंग साइज बल्ड बल्ज आउटवर्ड्स, BULDGE, है ना। अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग साइज साइड सरफेस, आप बोल सकते हो हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज आउटवर्ड इज नोन एज कॉनवेक्स मिरर। तो कौन सा मिरर है, ये आपका है कॉनवेक्स मिरर। कौन सा मिरर है, कॉनवेक्स मिरर। तो आपके स्फेरिकल मिरर दो टाइप के हो गए। स्फेरिकल मिरर कितने हो गए, दो टाइप के, एक तो हो गया कॉनकेव मिरर और दूसरा हो गया कॉनवेक्स मिरर, ठीक समझ में आ गया। स्फेरिकल मिरर आ रहा हो टू टाइप्स, वन इज कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में क्या कहा मैंने, अंदर की साइड रिफ्लेक्टिंग होगी, अंदर की साइड मीन्स इसमें हम क्या करेंगे, बाहर की साइड को कोटिंग कर देंगे, ये बाहर की साइड कोटिंग कर दी, ये कर दिया, तो अंदर की साइड अब आपकी रिफ्लेक्टिंग साइड बन गई, यानी इसमें जो भी रेज ऑफ लाइट आएंगी वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे ये इसी मीडियम में, ठीक है। तो इस मिरर को हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। सो व्हाट इज कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर इज ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग साइड सॉरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव इनवर्ड्स, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की होती है, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। सेकेंड होता है आपका कॉनवेक्स मिरर। कॉनवेक्स मिरर कैसा होता है, कॉनवेक्स मिरर इज ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग साइड बल्ज आउटवर्ड्स, जिसकी रिफ्लेक्टिंग साइड जो होती है बाहर की ओर होती है। तो रिफ्लेक्टिंग साइड बाहर होगी तो अंदर की साइड हम क्या कर देंगे, इसमें ऐसे कोटिंग कर देंगे तो बाहर की साइड इसमें क्या हो जाएगी, बाहर की जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो इस मिरर को बोलते हैं कॉनवेक्स मिरर। ओके, सो व्हाट इज कॉनवेक्स मिरर, कॉनवेक्स मिरर इज अ मिरर, या आप सिंपल बोलो कॉनवेक्स मिरर इज ए स्फेरिकल मिरर, ऐसा बोल सकते हैं। कॉनवेक्स मिरर इज ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग साइड हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज आउटवर्ड, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज आउटवर्ड होती है, बाहर की ओर उभरी हुई होती है, उसको हम बोलते हैं कॉनवेक्स मिरर। ओके, तो ये थे आपके कॉनकेव मिरर एंड कॉनवेक्स मिरर के एग्जांपल। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल थ्रो लाइट अपॉन कॉनकेव मिरर फर्स्ट। ओके, वी विल डिस्कस थोरोली द कॉनकेव मिरर एंड वी विल डिस्कस अबाउट इट्स फोकल पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस, एवरीथिंग वी विल डिस्कस अबाउट द कॉनकेव मिरर फर्स्ट एंड द इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर, दिस वी ऑल्सो डिस्कस एंड देन लेटर ऑन वी विल डिस्कस कॉनवेक्स मिरर। ओके, सो दिस वे द चैप्टर विल फ्लो। ओके डियर, ओके, टिल देन स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग मिशन स्कूल परिवार, थैंक यू।